वेक्टर एडिशन, आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम दी गई, आपको कहा कि ठीक है एक बॉक्स है, एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, दूसरे ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो बोलो नेट फोर्स क्या लगी, 20 न्यूटन टूवर्ड राइट, बात खत्म, आपकी कॉमन सेंस से काम आ गया। नेक्स्ट एक ने लगाई 10, एक ने लगाई 20, तो नेट फोर्स कितनी, एक ने लगाई 2, तो नेट फोर्स कितनी है 8, ये भी सही है। अच्छा इसका आंसर दो, ये एक ब्लॉक है, एक ने फोर्स लगाई 20, एक ने लगाई 10 और दोनों के बीच में एंगल है 30, अब नेट फोर्स क्या लगी, यहां कॉमन सेंस नहीं चलेगा, इसमें चला इसमें भी चला, इसके लिए क्यों नहीं चल रही कॉमन सेंस, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप दो वेक्टर्स को ऐड या सबट्रैक्ट या नेट वेक्टर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक एलजेब्रा सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में, किसी भी एलजेब्रा में 4 मेन ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हम वेक्टर्स की भी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन तो वेक्टर का होता ही नहीं, डिवीजन तो अलाउड ही नहीं है, तो 3 ऑपरेशन हमने करने हैं। तो पहला हमने क्या करना है, वेक्टर एडिशन। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए लॉ बना दिया गया है, तो आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉ विच इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर अगर ये नहीं यूज करना तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सारे लॉज काम आते हैं वेक्टर को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, कोई डाउट इसमें? तो वेक्टर की एडिशन इन लॉज से की जाती है। ये हम एक एक करके शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, देखो इसमें ये दो स्ट्रिंग्स देख रहे हो, रबर, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है, इन रबर्स के अंदर टेंशन, मीन इस रबर के अंदर फोर्स है, लेकिन अगर आप एक पत्थर लें और इसको चलाएं, देखो पत्थर इन दो स्ट्रिंग्स के अलोंग नहीं जाएगा, बीच में से किसक जाएगा, ऐसा कैसे, मैंने बीच में से फोर्स ना लगाई। तो बेसिकली ये जो दो फोर्सेज हैं इनका रिजल्टेंट, इनको मिला के जो नेट फोर्स आई है ना, वो इस तरफ आई है, तभी वो पत्थर इसके बीच में से क्रॉस कर रहा है। पर मुझे कैसे पता कि बीच में से आई है और क्यों ये पत्थर इधर जा रहा है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा वेक्टर एडिशन। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने वाले हैं, ट्राइंगल लॉ, और उसको क्लोज करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।